और इस समय मेरे साथ सीवन ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं बलजिंदर जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ तक वो पहुँचे हैं और किनका श्रेय जो है वो देना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजिंदर सिंह जी है और मैं अपना सीवन ब्लॉक से, मेरी वाइफ मंजीत कौर चेयरमैन बनी हुई है और हम हमारे साथ जो बीजेपी पार्टी ने सपोर्ट किया है बहुत दिल और जोर लगा के मेरे को चेयरमैन बनवाया है, मेरी मिसिज को, और हम इसको बहुत तेजी से काम को चालू करवाएंगे। तो किस तरह से गठजोड़ रहा, कौन व्यक्ति रहा जिन्होंने आप लोगों को सपोर्ट किया, भाजपा ने सपोर्ट किया और किस तरह से गठजोड़ बिठाया? हम भाजपा ने गठजोड़ बिठाया बहुत और दिल से बिठाया, उसमें जिसमें नायब सैनी जी, अशोक गुजर जी, रवि ताराली और ऊपर सारी ही पार्टी ने मेरा संजोग दिया दिल से और मैं उनका दिल से ही धन्यवाद करता हूँ। और कितने का मेंबर ब्लॉक समिति में आपके सदस्य थे जिन्होंने आपको वोटिंग की? हम हमारे 16 सदस्य थे, हम 16 में से 9 वोटिंग मेरे पास थी, 7 उनके पास। तो दूसरे पक्ष का कौन कौन सी पार्टी का था, आजाद था या किसी और पार्टी से थे? वो जेजेपी के था, ईश्वर सिंह जी ने उनको सपोर्ट की हुई है और उनके साथ ईश्वर सिंह ने लगे। आपके सीवन ब्लॉक की अगर बात करें तो क्या हालात क्या है, क्या लगता है कि काम होना चाहिए या क्या हालात देखे गए हैं? हमारे सीवन ब्लॉक में इतना बुरा हाल है, अभी तक कोई भी रुपया नहीं ईश्वर सिंह ने लगाया और इतनी सड़कें टूटी हुई है ना, यहाँ पे चौंसा रोड मर्जी जाके दे लो ना तो गाड़ी चलाने को जी करता है, नवी गाड़ी लेके आते हैं वो भी जल्दी टूट जाती है। पानी की निकासी की बहुत सारी समस्या है वहाँ। अभी तक पानी की निकासी भी नहीं हुई सीवन की, इतने सालों से कई साल हो गए सीवन की पानी की निकासी, और जो रोड नवा बना है सीवन से अरनोड़ा रोड नवा बना है, उस रोड की इतनी हालात मारे है ना जी, और मैंने कई बार शिकायत कर दी पर फिर भी वो सही नहीं कर रहे रोड को। तो अब जैसे आपको जिम्मेवारी मिली, आपकी धर्मपत्नी को जिम्मेवारी मिली है, तो कैसे इस काम को आप बखूबी अंजाम दे पाएंगे और जो विकास की तेजी है वो किस तरह से बढ़ा पाएंगे? रवि ताराली के साथ रल के हम इसको बहुत ही तेजी से करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विधायक ईश्वर सिंह है उनकी कमी के कारण जो है सीवन ब्लॉक में काम नहीं हुआ, लेकिन अब साफ तौर पर आश्वस्त है क्योंकि भाजपा उनके साथ है और रवि तारावाली उनके साथ है, उनके साथ मिलकर जो काम की गति है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन जिम्मेवारी जो उनकी दी है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और जिम्मेवारी से लोगों की, गाँव के विकास के लिए अहम रोल अदा करते हुए आगे नजर आए।